आप टेक्नोटेक जीपीएस का कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बगल में बेल आइकन है, इसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपके पास किसी भी कंपनी का कैसा भी जीपीएस है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके उसको चालू करा सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिए गए हैं, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल भी कर सकते हैं। कैसा भी जीपीएस हो आप उसको ऑनलाइन मैप के ऊपर चलता हुआ देख सकते हैं। फिर हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका टेक्नोटेक जीपीएस में। और आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो ये वीडियो पूरा देखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो ये देख लीजिए, दो जीपीएस हैं, अभी आपको अलग अलग दिख रहे होंगे। आपको लग रहा होगा देखने में, आप देख के जज करोगे कौन सा बेटर होगा, किस में चमक ज़्यादा है, शाइन ज़्यादा है, कौन सा अच्छा लग रहा है देखने में, उससे आप जज करोगे। लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों, क्योंकि इसके साथ में जिसके साथ में बॉक्स अच्छा आएगा आप कहोगे नहीं ये अच्छा है, और इसका देखने में भी अच्छा लग रहा है, इसका बॉक्स भी अच्छा है, ये अच्छा होगा और ये महंगा भी है इसलिए अच्छा होगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ना आपके बॉक्स को फंक्शनिंग करनी है, ना आपके बाहर दिखने वाले इस प्लास्टिक के डिब्बे को फंक्शनिंग करनी है। फंक्शनिंग होती है मेन अंदर आपका पीसीबी बोर्ड की, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इसका पीसीबी बोर्ड और ये है इसका पीसीबी बोर्ड। अब देख लीजिए, अभी आपको अलग अलग दिख रहे थे, लेकिन अब आप सिर्फ एक इसके अंदर डिफरेंस देख सकते हैं, इसमें बैटरी है, इसमें बैटरी नहीं है, बाकी सब कुछ सेम लग रहा है आपको। लेकिन अब मैं इसमें फर्क बता देता हूँ, इन दोनों में फर्क ये है कि इसमें से एक सस्ता और एक महंगा है। आपका ये महंगा आता है, ये सस्ता आता है, और इसमें फर्क इसलिए भी आता है पैसों में, सब कुछ सेम है इसमें। इसमें हाई क्वालिटी का माल यूज़ होता है, इसमें लो क्वालिटी का यूज़ होता है। इसमें कुछ आपके डायोड्स वगैरह मिस होते हैं, इसमें डायोड ज़्यादा होते हैं तो इसकी लाइफ भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो सेम दिखने वाली दो चीज़ें आपकी अलग अलग प्राइस में आती हैं, बस बोर्ड आपका, बस आपका ये प्लास्टिक का डब्बा जो है बाहर का, ये अलग अलग दिखता है आपको। तो आप सोचेंगे कि चलो मैं ज़्यादा महंगा खरीद लेता हूँ मार्केट से तो मुझे अच्छा ही मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि महंगा ही अच्छा होगा या सस्ता ही बेकार होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं हमें सस्ता सस्ता और सस्ता चाहिए, नहीं हमें महंगा दो तो ही अच्छा मिलेगा। मैं किसी को कहूँगा ये 5,000 का है, ये 3,000 का है, तो कहेगा हाँ ये 5,000 वाला दे दो मुझे, मुझे अच्छा चाहिए। लेकिन कोई बहुत मेजर फर्क नहीं है, लेकिन थोड़े फर्क हैं इसके अंदर। इसमें आप देख सकते हैं ईजिली, इसमें आपका ये डायोड है मिसिंग है, इसमें ये डायोड है, और आपका इसके अंदर एक ये डायोड है इसमें मिसिंग है, इसमें है, और इसकी डायोड अच्छी क्वालिटी की है। सिर्फ इसमें बैटरी का फर्क है, इसमें बैटरी है, इसमें बैटरी नहीं है, और इसमें डायोड भी अच्छी है, साथ में एंटीना भी लंबा है, इसकी एंटीना की लेंथ ज़्यादा है, इसकी एंटीना की लेंथ बहुत छोटी है, तो इससे आपका एक्यूरेसी का फर्क पड़ता है और लाइफ पे भी काफ़ी फर्क पड़ता है जीपीएस की। तो आप इस तरीके से ना खरीदें कि मतलब महंगा होगा तो अच्छा होगा, सस्ता होगा तो बेकार होगा, ऐसा कुछ नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में। एक फैक्ट और है कि जैसे ये आपका ज़्यादा रनिंग आइटम है या ये ज़्यादा रनिंग आइटम है, तो मैं उसको बोलूँगा कि मैं जब जीपीएस बनवाऊँगा तो मैं उसको बोलूँगा ये रही बॉडी, इसके अंदर आप सस्ते से सस्ती पीसीबी डाल के दीजिए। जो लोग आजकल जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ज़्यादा चल जाता है किसी का, तो लोग यही करते हैं, उसकी कॉपी करते हैं, वैसे ही करते हैं कि इस प्लास्टिक बोर्ड के अंदर पीसीबी फिट कर दो जो सस्ते से सस्ती आए मुझे। तो आप कैसे जज करेंगे, या इसमें मैं कहूँ आप कैसे जज करेंगे, आप नहीं जज कर सकते। तो इसलिए आपको भरोसा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे माल की कॉपियां बहुत से लोग बेच रहे हैं आजकल मार्केट में। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कॉपियां बिक रही हैं, और कुछ मॉडल तो ऐसे हैं जिनकी कॉपी हद से ज़्यादा बिक रही हैं, उनकी कमांड्स भी अलग हो जाती हैं, सब कुछ अलग कर देते हैं लोग। और इसमें पैच एंटीना भी सेम है दोनों में, 18-18-4 का है, 18 mm इसको पैच एंटीना बोलते हैं, और ये आपका जो है जीपीएस मॉड्यूल ये वाला है, ये जीपीएस मॉड्यूल है। और मैं आपको अब कुछ और आईसीज भी दिखा देता हूँ, पीसीबी बोर्ड दिखा देता हूँ। जैसे ये एक पीसीबी बोर्ड है, ये काफ़ी लो क्वालिटी का है, हम नहीं बेचते इसको, इसको भी नहीं बेचते, ये भी काफ़ी लो क्वालिटी का पीसीबी बोर्ड है। ये पीसीबी बोर्ड है आपका, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, इसका जो मॉड्यूल है वो भी अच्छा है। इसका जो मॉड्यूल है 25x25x4, ये 4 mm है, ये 25 mm है, 25 mm है, इसका आपका 18 mm, 18 mm, और इसकी जो डेप्थ है वो आपकी 4 mm है, डेप्थ सबकी सेम होती है। एक ये बोर्ड है, एक ये काफ़ी अच्छा बोर्ड है आपका, जो हम लोग मोस्टली बेचते हैं, इसको रिकमेंड करते हैं, थोड़ा महंगा होता है लेकिन क्या करें, अब सस्ता चाहिए तो फिर हम ये बोर्ड देते हैं उनको, आपको ये बोर्ड मिलेगा। एक ये बोर्ड भी है,
आप बॉक्स कैसा ही बनवा सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है मार्केट में। ये किस में आपको फिट कराना है वो डिपेंड करता है, ये आपका एक एवरेज क्वालिटी है। इसमें देख लीजिए, ये जो आपका पैच एंटीना है सेम यही वाला लगा हुआ है, देखने आपको लगेगा बहुत अच्छा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वायरिंग बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, ये तो ज़बरदस्त होगा एकदम, ऐसा कुछ नहीं होता। डिपेंड करता है कि आप किससे खरीद रहे हैं। फाइनली दोस्तों, मैं किसी भी जीपीएस को इनमें से खराब नहीं बता रहा हूँ, सब अपनी जगह ठीक है, थोड़ा सा रेट में डिफरेंस होता है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि शक्ल पे मत जाइए, कुछ नहीं पता किसके अंदर क्या है। तो आप अपनी सबसे पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपकी मान लीजिए बाइक में लगना है या गाड़ी में लगना है जिसकी अभी 2 साल मान लीजिए वैलिडिटी बची है, उसको जीपीएस लगवाना है आपको, ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप ये लगवा लीजिए। ये भी लगवा सकते हैं, ये भी लगवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी में अभी 5-7 साल 10 साल बचे हैं और आप एक अच्छा जीपीएस चाहते हैं, तो आप ये बोर्ड ले लीजिए, ये वाला, ये अच्छा रहेगा, हमसे बाय कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा और चाहिए कि हाँ मुझे और अच्छा चाहिए, ठीक है, तो सब तरीके का जीपीएस अवेलेबल है। तो दोस्तों आप अपना यूज देखिए कि आपका यूज क्या है। नॉर्मली होता क्या है, आप मार्केट में जाते हैं और आप ये कहते हैं कि मुझे जीपीएस चाहिए, तो कोई बोलता है मेरे पास, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास एक दुकानदार कहता है 100 का जीपीएस है, एक कहता है मेरे पास 50 का है, ठीक है, एक बोलता है 80 का है, एक बोलता है 70 का है। तो आप क्या कहते हैं, यार 50 वाला तो बेकार होगा, 100 वाला तो महंगा है, 70 वाला ले लेता हूँ। तो जरूरी नहीं है कि आपको ये 50 वाला ही, हो सकता है आपको 100 में मिल रहा हो, 100 वाला 50 में मिल रहा हो, 70 वाला 50 में मिल रहा हो, 80 वाला 50 में मिल रहा हो, मतलब इनका बैकग्राउंड में क्या प्राइस है वो आपको नहीं पता, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो इसलिए आप एक बार अपना यूज हमें कॉल करें और हमें अपना यूज बताएं कि आपका यूज क्या है, उस हिसाब से हम आपको सजेस्ट करेंगे जीपीएस कौन सा बेटर है। क्योंकि ज्यादा महंगा जीपीएस भी हो सकता है आपके लिए बेकार हो, क्योंकि आपकी गाड़ी मान लीजिए 1 साल बचा है या कुछ भी है, और आप तो उसमें आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, बाइक है, स्कूटी है, आपकी कोई नई गाड़ी है मान लीजिए, तो उसमें आपको बैटरी लगवाना चाहिए, या डिपेंड करता है पर्पस क्या है आपका। मैग्नेटिक भी होते हैं, काफी तरीके के जीपीएस आते हैं मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस आप, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इनकी शक्लों पे मत जाइए, कोई अच्छा दिखता है तो हो सकता है बेकार हो, बेकार दिखता है तो हो सकता है अच्छा हो, ऐसा कुछ मेन क्या है, ये आपका ये फंक्शनिंग करता है, आपको ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना है। कोई किसी नाम से बेचता है, कोई किसी नाम से बेचता है, और ये सोर्स आपका एक ही होता है, 90% ये इम्पोर्ट होता है, यहाँ पे कोई नहीं बनाता इनको घर में बैठ के, 90% इम्पोर्ट होता है। कोई कहता है कि हम बनाते हैं तो मेरे हिसाब से तो वो ठीक नहीं है। और दोस्तों कुछ लोग हमसे कहते हैं कि आप हमें हमारा ब्रांड लगा के दो, तो मैं क्या क्या करता हूँ, कुछ नहीं करता। ये मार्केट में छपते हैं 150 रुपये का, 150 रुपये का ये छपता है इस तरीके से, ये लगा के दे दो, आपके सामने ही लगा के दिखा दे। वैसे तो ये हमारा है, हमारी कंपनी का है, मैं औरों को दिखा नहीं सकता आपको। ये यहाँ पे लगा दिया मैंने, ये एक निकाल के मैंने यहाँ पे लगा दिया, और ज़्यादा कम ब्रांड अगर आपको लग रहा है तो ये लो, ये एक ब्रांड और हो गया, ये लो, ये डबल ब्रांडेड हो गया। अब आपको कह रहे वाह ये अच्छा जीपीएस है, ब्रांडेड है, तो सब कुछ नहीं है, ये 1.5-2 रुपए के छपते हैं मार्केट में, तो आप इन चक्करों में मत पड़िएगा। इन सब चीज़ों से आपके पीसी बोर्ड की क्वालिटी डिपेंड नहीं करती, और ब्रांडिंग में दूसरी जाती है। बॉक्स, ये हमारा बॉक्स है, कोई कहता है कि हमें आप बॉक्स बनवा के दो, तो इस तरीके से हम उनको बॉक्स बनवा के देते हैं, और कोई कहता है कि नहीं जी हमें तो प्लेन बॉक्स चाहिए ताकि किसी ब्रांड का ना हो, तो उनके लिए ये बॉक्स होता है। ये देख लीजिए, इस पे कहीं कोई नाम नहीं होता है, ये ले लीजिए आप। और जीपीएस को आपको ओरिजिनल दिखाने के लिए बॉक्सेस के ऊपर आपके बारकोड प्रिंट होते हैं, यहाँ पे इस तरीके से बारकोड वगैरह प्रिंट होते हैं, पीछे लगते हैं, लोग लगाते हैं, उसकी मशीन आती है, उससे बारकोड प्रिंट करके दबा के लगाइए, जितने बारकोड चाहिए आप मुझे बता दीजिए, आपको कितने बारकोड वाला जीपीएस चाहिए, मैं उतने बारकोड लगा दे दूंगा आपको। बारकोड से क्या होता है, लोगों को जीपीएस असली लगने लग जाता है, मतलब ये जब दिखावा करके असली लगने लग जाता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आप ट्रस्ट सर, देखिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप ट्रस्ट करेंगे तो ही हो सकता है, वरना आप इसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते किसी का भी, कौन क्या बेच रहा है क्या नहीं बेच रहा है, आप शक्लें देख के किसी को कुछ नहीं बता सकते। सबसे ज्यादा हमने इस तरह के बॉक्स यूज करे हैं, इसकी कॉस्टिंग आती है सिर्फ 5 रुपए, इससे जीपीएस की कॉस्टिंग पे कोई असर नहीं पड़ता। वहीं पे आपका अगर हम ये बॉक्स देते हैं तो हमें लगभग 60 रुपए बढ़ाने पड़ते हैं, तो आप देख लीजिए सर आपको क्या चाहिए, हम तो सब कुछ बेचते हैं, आपको सस्ता चाहिए
मतलब अब सर आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे जीपीएस की रिक्वायरमेंट है और आपको ब्रांडिंग कितनी चाहिए उसके ऊपर, आपको बॉक्स कौन सा चाहिए, ज्यादा अच्छा दिखने वाला चाहिए, कम अच्छा दिखने वाला चाहिए, तो रेट भी उसी तरीके से ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन आप इस डब्बे के और इस डब्बे से आप कभी अंदाजा मत लगाइएगा कि इसमें अच्छा जीपीएस आएगा और मतलब इसमें अच्छा जीपीएस आएगा और इसमें खराब आएगा, या इसमें खराब आएगा इसमें अच्छा आएगा, ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम आपको क्या देते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना जीपीएस बाय कर सकते हैं, एक कॉल कीजिए और आपको नंबर्स मिल जाएंगे नीचे। और आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन परचेज कर लीजिए।